हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॉइस किचन। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए टू टाइप की मुरमुरे की रेसिपी, जिसमें सबसे पहले मैं बनाऊंगी मुरमुरे और ड्राई फ्रूट्स की नमकीन। तो ये देखिए कितनी बढ़िया और क्रिस्पी बनके तैयार हुई है, और इसको आप स्टोर भी करके रख सकते हैं, 2 से 3 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। और इसके साथ साथ मैं बनाऊंगी भेल पूरी, जो कि मार्केट वगैरह में आप लोगों ने देखी होगी मिलती है, तो उसी स्टाइल में मैंने इसको सर्व किया है। देखिए कितनी बढ़िया और टेम्पटिंग ही लग रही है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं इन दोनों ही मुरमुरे की रेसिपी को। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक पैन चढ़ा दिया है और इसके अंदर मैंने डाल दिया है ऑयल। तो सबसे पहले हम बनाएंगे नमकीन। तो ऑयल में मैंने डाल दी है पीनट, और इसको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे जब तक कि इसका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता और ये छिलका रिलीज नहीं कर देती अपना। मीडियम फ्लेम पे करेंगे सारा प्रोसेस। तो यहाँ पे देखिए पीनट हमारी रोस्ट हो गई है, इसको हम निकाल लेंगे। और ये जो नमकीन है ना गाइस, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। साथ ही यहाँ पे मैंने डाल दिया है कोकोनट कद्दूकस करा हुआ, इसको भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी लगती है ये नमकीन, इसको आप स्टोर कर सकते हैं, टी टाइम में आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए नारियल भी हमारा ब्राउन हो गया है हल्का सा, इसको भी हम निकाल लेंगे। तो जो भी हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स या जो भी हम इंग्रेडिएंट डालेंगे उसको हम रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मखाने डाल दिए हैं 1 कटोरी। आप मखाने के अलावा और कोई भी ड्राई फ्रूट जैसे काजू बादाम डालना चाहें तो वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मखानों को भी हम अच्छे से रोस्ट करेंगे, और बिल्कुल कम ऑयल में हम इसको बना रहे हैं, हेल्दी वर्जन है इसका। तो ये देखिए मखाने भी हमारे ऑलमोस्ट रोस्ट हो चुके हैं, हल्का सा कलर चेंज हो गया है, और मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि कितने क्रिस्पी ये हमारे हो गए हैं। एक ही बाउल में मैंने सब कुछ डाल दिया है क्योंकि एंड में हमें इसको मिक्स ही करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल बचा हुआ है, कर दूंगी किशमिश। किशमिश जब भी आप डालें तो एंड में ही डालें, क्योंकि किशमिश जो है जल्दी रोस्ट हो जाती है, तो बस ये हल्की सी फूल जाएगी। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपने कुछ स्पाइसेस। तो यहाँ पे किशमिश जो है हमारी हल्की सी रोस्ट हो चुकी है, फूल गई है देखिए हल्की हल्की। तो अब इसके अंदर सबसे पहले मैं डालूंगी हल्दी पाउडर, और हल्दी पाउडर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसके अंदर डालेंगे अपने मुरमुरे। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी मुरमुरे लिए हैं, आप जितना भी बनाना चाहें उसके अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। तो मुरमुरे इसीलिए मैंने इसको डाले हैं ताकि ये हल्के से रोस्ट हो जाएं। और 1 से 2 कटोरी मैंने इसके अंदर लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए हल्के से ये रोस्ट हो गए हैं, और हल्दी हमने इसके अंदर डाली है तो उसका कलर भी हमारे मुरमुरों पे अच्छे से आ गया है। और बाकी जो हमने फ्राई करके रखे थे वो भी इसके अंदर ऐड कर दिए, और साथ ही डाल दिया है थोड़ा सा नमक और चाट मसाला, थोड़ी सी डाल दी है लाल मिर्च पाउडर, और बस सारे स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे स्पाइसेस को मैंने मुरमुरे और बाकी ड्राई फ्रूट्स के साथ मिक्स कर दिया है। और गाइज ये जो नमकीन है बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगती है। एक बार आप इसे बनाएंगे तो महीनों तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं, और बहुत ही हेल्दी भी है क्योंकि हमने इसके अंदर मखाने डाले हैं, पीनट डाले हैं। तो बस रेडी है हमारी नमकीन मुरमुरे की। अब हम बनाएंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी, जो कि है भेलपुरी। तो यहाँ पर भेलपुरी के लिए मैंने जो है मुरमुरे ले लिए हैं 1 बाउल में। और इसके साथ साथ मैंने लिया है प्याज टमाटर हरी मिर्च। तो ये सारे जो भी प्याज टमाटर और हरी मिर्च है हम अपने मुरमुरों में ऐड कर देंगे, और इसके साथ साथ डालेंगे इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले जाएगा सॉल्ट टू टेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, और इसके साथ साथ जाएगा 1 चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला ना हो तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर जो मैंने पीनट रोस्ट करके रखी थी उसमें से थोड़ी सी बचा ली थी, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे।
और साथ ही डाल दिए थोड़ी सी ग्रीन चिली। और यहाँ पर मेरे पास सेव है, आप सेव ना हो आपके पास तो आप कोई भी नमकीन इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, आलू भुजिया ऐड कर सकते हैं या फिर पंजाबी तड़का भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और सबको मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं आधा नींबू स्क्वीज कर दूंगी और बस सारे इंग्रेडिएंट को हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स, और साथ ही थोड़ा सा धनिया भी इसके अंदर डाल देंगे। तो रेडी है हमारी बहुत ही टेस्टी और चटपटी सी भेलपुरी की रेसिपी भी। तो रेडी है हमारी दोनों मुरमुरे से बनी हुई रेसिपी, नमकीन और भेलपुरी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों के साथ रहिए और मेरी वीडियोस को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।